घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक पर काफ़ी सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी इंटरनेट पर मिलेंगे, काफ़ी सारी जानकारी उसके बारे में आपको किताबों में मिलेंगी, और इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। राग की जातियाँ, तीन प्रकार की जातियाँ होती हैं। जाति यानी कि राग में जो स्वर लग रहे हैं उनके नंबर काउंट से उनकी जातियाँ बनती हैं। बहुत लोग जानते भी हैं उसके बारे में और किताबों में भी वर्णन है ही है, मिल जाता है, उसका बेसिक चीज़ है। लेकिन जो मैं ख़ास बताऊंगा इस वीडियो में वो ये होगा कि उनके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और उन्हीं जातियों से कैसे रागों के निर्माण होते हैं उसके ऊपर थोड़ा बताऊंगा, जो कि एक नई चीज़ होगी मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। हर जाति का एक एग्जांपल मिलेगा आपको और हर जाति से कितने प्रकार के राग बन सकते हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर देखें तो वो क्या है, वो भी आपको ज़रा मैं बताऊंगा। वो तो खैर शास्त्रकारों ने किताबों में वर्णन कर रखा है उसका, लेकिन जो एग्जांपल्स है वो मैंने खुद ने रिसर्च की है, ढूंढी है किताबों में कुछ गुरुजनों से, तो उसका मैं एग्जांपल दे देकर आपको समझाऊंगा कि ये जाति कैसे बनती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राग में तीन प्रकार की जातियाँ होती हैं, औड़व, षाड़व और संपूर्ण। औड़व यानी 5 स्वर, षाड़व यानी 6 स्वर और संपूर्ण यानी 7 स्वर, है ना। आप सभी जानते हैं कि एक राग में मिनिमम 5 स्वर और मैक्सिमम 7 स्वर लग सकते हैं, है ना। 7 से ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि 7 से ज़्यादा होते ही नहीं है, है ना। और 5 से कम स्वरों का राग नहीं बन सकता है, भले ही आरोहात्मक जाओ या अवरोहात्मक जाओ, मिनिमम 5 तो लगाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो औड़व यानी 5 स्वरों की जाति, षाड़व यानी 6 स्वरों की और संपूर्ण यानी 7 स्वरों की। अब क्या होती है जातियाँ उसके बारे में जानते हैं। मैं आपको संगीत विशारद मैं थोड़ा सा जो इसका वर्णन है वो पढ़ के बता देता हूँ एक बार, फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या दे रखा है। इसमें बताया हुआ है कि पहले ये बताया जा चुका है कि थाट के स्वरों से ही राग तैयार होते हैं, और ये भी बताया गया है कि थाट में 7 स्वर होना ज़रूरी है, किंतु राग में ये ज़रूरी नहीं है कि 7 ही स्वर हों, है ना, कंप्लीट भी लगें। 7 से ज़्यादा लगते हैं तो वो क्या होता है, एक ही स्वर के दोनों प्रकार लग जाते हैं, जैसे दोनों ऋषभ लग गए, दोनों गंधार लग गए, है ना, ऐसे प्रयोग हो सकता है। अतः किसी थाट के स्वरों में से 5, 6 या 7 स्वरों को लेकर जब कोई राग तैयार होता है तो जितने स्वर उस थाट में से लिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर जाति निश्चित होती हैं। तो इन्हीं इस प्रकार से स्वरों की संख्या अनुसार रागों की 3 जातियां बताई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, औड़व, षाड़व और संपूर्ण। औड़व यानी जिनमें कि कोई 2 स्वर घटाकर वर्जित कर कोई राग उत्पन्न होता है, है ना, यानी जिसमें 5 स्वर लगते हैं, तो वो औड़व जाति का हो गया। उसके अभी आपको मैं बताता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ। षाड़व यानी जिसमें कोई 1 स्वर वर्जित कर दिया है तो वो षाड़व जाति का राग हो गया। फिर संपूर्ण यानी जिसमें 7 स्वर होते हैं, ना आरोह में आप कोई छोड़ोगे ना अवरोह में कोई स्वर छोड़ोगे, तो वो बन जाता है। अब इन 3 में से 9 जातियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी राग में या फिर किसी भी थाट में आरोह अवरोह होना ज़रूरी है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि थाट का अवरोह नहीं होता है, क्योंकि वही होगा ना, अवरोह तो सेम ही होगा, अलग तो होगा नहीं, है ना। राग का आरोह अवरोह होता है क्योंकि आरोह अवरोह में स्वरों का नंबर, स्वरों का लगाव, उसको बदल देने से स्वरूप बदल जाता है, और स्वरूप बदलता है तो राग बदल जाती है, है ना। तो इस प्रकार से रागों के निर्माण होते हैं कि किसी आरोह में ये स्वर लग रहा था तो ये न लगा के ये लगा दो तो ये राग बन जाएगी, अवरोह में ये लग रहा था ये न लगा के ये लगा दो तो ये राग बन जाएगी, चलन थोड़ा लगा दो, सेम स्वर लग रहे हैं लेकिन उनको लगाने का तरीका बदल दो तो राग बदल जाएगी, है ना, ऐसा हम करते हैं। तो औड़व अगर इससे 9 कैसे बनी, हर से 3-3 बनेगी, औड़व यानी 5, तो औड़व जाना और औड़व ही आना यानी 5 जाना 5 आना, ये हो गया हमारा औड़व औड़व। फिर 5 जाना और 6 आना यानी औड़व षाड़व, फिर औड़व संपूर्ण, है ना, यारो अवरो का चलन बता रहा हूँ मैं, जाएंगे 5 लेकिन आएंगे 6 स्वर लगाएंगे उन्हीं 7 में से कोई। ठीक है, ऐसे ही आप
शाड़व की बना लीजिए, शाड़व शाड़व छः छः, शाड़व औड़व ये हो गए छः पाँच, और शाड़व संपूर्ण ये हो गई छः सात। फिर तीसरी यानी संपूर्ण की, संपूर्ण संपूर्ण यानी सात सात, फिर संपूर्ण शाड़व सात छः, और संपूर्ण औड़व, संपूर्ण औड़व यानी कि सात और पाँच, ऐसे करके नौ जातियाँ बन गई। अब इन नौ के मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, बताता हूँ कि कौन सी राग कौन सी जाति में आती है। कुछ थोड़े मोड़े मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ के मुझे नहीं मिले। वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक ही जाति है जिसका मुझे एग्जाम्पल नहीं मिला है, किताबों में वर्णन नहीं है जिसका, वो है शाड़व औड़व, है ना। अब ये भी आपको बता दूँ कि कई रागों में मतभेद हैं, है ना, कईयों का स्वरूप जो है वो मतभेद होता है कि भाई कोई कहता है नहीं इसमें ये स्वर लगाना चाहिए, कोई कहता है नहीं लगाना चाहिए, तो उस अनुसार भी जातियाँ बदल जाती हैं। फिर भी मैं ऐसी रागें बताऊँगा जिनमें मतभेद नहीं ही हो, है ना, कि उससे आप पता लगा सको कि एटलीस्ट ये जाति तो होती ही होती है। सबसे पहले तो मैं आपको संपूर्ण संपूर्ण बताऊँगा जिसमें कि सातों स्वर लगते हैं, आरोह में भी और अवरोह में भी, जो कि हमारी जो आश्रय रागें हैं सारी लगभग सभी उसमें आती हैं। जैसे कि हम बिलावल अगर देखते हैं तो सारे गा मा गा मा रे गा पा मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा गा पा दा नी सा दा पा सा नी दा नी सा दा पा मा गा मा रे सा रे सा। ये आरोह था सा रे गा मा पा दा नी सा, ऐसे भी गाया जा सकता है, लेकिन राग के चलन अनुसार मैंने स्वर संगतियों में गाया, तो आपने देखा कि संपूर्ण जाति है। भैरवी देखते हैं सा रे गा मा रे गा रे सा सा रे गा मा पा पा धा मा पा गा मा पा धा पा पा धा नी धा पा मा पा धा नी सा रे सा नी सा धा पा पा गा सा रे सा नी सा धा पा मा पा गा मा गा रे सा धा नी रे सा। कोई भी स्वर छूट नहीं रहा है और बराबर सारे स्वर लग रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी स्वर का जो लगाव है वो आरोह में अवरोहात्मक ढंग से भी हो सकता है, ऐसे भी एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन वो स्वर तब भी आरोह में ही काउंट होगा, है ना। इसको कहते हैं वक्र, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, जो बदलाव है जो सीधा सीधा नहीं है, जो टेढ़ा है, जो थोड़ा घुमावदार है, है ना। ऐसी भी कई रागें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ये तीन जातियाँ बताई, तीन से नौ बनती हैं, लेकिन एक और प्रकार की जाति है जिसका वर्णन इनमें नहीं होता है, वो है वक्र जाति, है ना। और फिर कई मुझे एग्जांपल्स ऐसे मिले हैं जो है वक्र संपूर्ण। वक्र संपूर्ण एक अलग कैटेगरी है जिसमें आरोह तो वक्र जाता है और अवरोह उसका संपूर्ण आता है, सातों जाते हैं। वक्र का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई स्वर छूट रहा है, नहीं, सातों ही लगेंगे, लेकिन उनको लगाने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। उसके भी एग्जाम्पल्स अभी आपको दूंगा मैं। तो संपूर्ण के दो एग्जाम्पल देखिए, यमन देख लीजिए, जैसे रे गा मा पा रे पा मा रे गा रे सा नी रे गा मा पा धा मा पा गा मा गा गा मा मा पा पा धा नी सा नी धा पा मा धा पा मा रे गा रे नी धा सा। इसको लेकर एक मतभेद है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी कि यमन और कल्याण में फर्क है। हमारे शास्त्रों में कल्याण का वर्णन है जिसमें कि पंचम लगता है, लेकिन अमीर खुसरो साहब जब आए तो उन्होंने कुछ नया करने के लिए हमारी कल्याण में से पंचम हटा दिया और नीरे गमध हनीसा पंचम वर्जित करके राग गाई, जिसको इमन कहा गया, जो बाद में यमन कहलाई। लेकिन शास्त्रों में अब क्या हो गया है, जो और लोगों का चलन भी ये है कि लोग पंचम लगाकर ही गाते हैं, उसे पंचम वर्जित नहीं करते हैं और उसे कहते लेकिन यमन ही है, कल्याण नाम नहीं देते हैं, कल्याण हमने थाट को दे दिया है, है ना। इसीलिए इसको कई बार शाड़व जाति से भी गाया जाता है, नी रे गा मा गा मा दा मा दा नी सा नी दा मा गा मा गा रे नी दा सा। इस जाति से भी लोग गाते हैं, मगर ज़्यादातर जो प्रचलन में है वो संपूर्ण जाति वाली ही है। ऐसे ही कई रागें हैं, भैरव है, काफी है, तोड़ी है, पूर्वी है, हमीर है, कालिंगड़ा, जय जयवंती, छाया नट, पूरा धनाश्री, गौड़ मलार, झिझोटी, यमनी बिलावल, और भी कई सारी रागें हैं, तो मैंने चंद एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गई संपूर्ण संपूर्ण। अब आपको मैं कैसे ऑर्डर में आपको वैसे नहीं बता रहा हूँ, चलिए मैं पहले पूरे पूरे बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ औड़व औड़व कैसी होती है, या फिर हम देखते हैं पहले शाड़व कैसे होती है। सात सात देख लिया, अब छः छः देखते हैं, जो कि हमारी मारवा, जिसमें कि पंचम वर्जित है, है ना, वो नहीं लगाते हैं, तो छह स्वर हो गए और आते समय भी पंचम नहीं लगता है। सा धनी रे सा रे गा मा धा मा धा नी
दाने सा ने दामा ग मा ग रे धामा ग रे धरे सा। अब इसमें पंचम नहीं लगा। जैसे कि बाहर एक राग है, आप अगर उसका चलन देखें जो कि मियां मल्हार से काफी मिलती जुलती है, उसका शाड़व शाड़व का जाता है, कैसे है? सा ग मा नी दा ने सा नी प म प ग म रे सा म प ग म नी दा ने सा, है ना। ऋषभ जो है हमारा वर्जित है, आरोह में। सा म ग म नी दा ने सा नी प म प। अब देख रहे हैं जो मैंने बताया था कि आपको कई बार अवरोहात्मक ढंग से आरोह में लगेगा या फिर आरोहात्मक ढंग से अवरोह में लगेगा, तब भी स्वर उसी में काउंट होगा। जैसे म प ग म रे सा म प, ये आरोहात्मक है लेकिन लग रहा कब है? अवरोह में आते समय। सा नि प म प ग म रे सा, है ना। लेकिन धैवत जो है अवरोह में नहीं लग रहा है। तो ये एक प्रकार है। पूरिया एक राग है जो कि अपनी मारवा जैसी ही है ना, उसके स्वर वही हैं, ललित है, जनसम्मोहिनी है, ये शाड़व शाड़व जाति के हैं। फिर आते हैं औड़व औड़व जाति के, पांच ही जाना पांच ही आना, जो आप जानते हैं, जैसे कि भूपाली है, इसमें गंधार मध्यम और निषाद नहीं लग रहा है। साधा सरे गा सरे धसा सरे ग प र सा प ग रे ध प ग प ग रे धसा, मध्यम और निषाद नहीं लगा, है ना। दुर्गा है सरे म प द रे प म प द प रे धसा। फिर हमारी वृंदावनी है निजारे मा पानी सा, एक दो तीन चार पाँच, और अवरों में सा नी पा मा रे, एक दो तीन चार पाँच। लेकिन स्वरों का लगाव अलग अलग है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो पांच इधर गए वही पांच वापस भी आएंगे, ऐसा नहीं है। माल कौन सा है? म ग म ध नी सा सा म ग म ध नी, एक दो तीन चार पाँच, है ना। चंद्र कौन सा है जिसमें शुद्ध निषाद लग जाता है? कलावती है। स ग प ध नि ध प ग, एक दो तीन चार पाँच, है ना। और इसी में ऋषभ लग रहा था तो जनसम्मोहिनी बन रही थी, है ना। देशकार है, इंडोल है, विभास है, ऐसे कई सारी रागे हैं। फिर हम आते हैं औड़व औड़व हो गया, संपूर्ण संपूर्ण हो गया, शाड़व शाड़व हो गया। अब एक एक स्वर बढ़ाते घटाते जाइए। जैसे औड़व से ही शुरू करते हैं, औड़व शाड़व कर देते हैं, जिसमें जाना पाँच है लेकिन आना छः है। तो उसमें हमारी सोहनी आती है, शुद्ध कल्याण आती है, रागेश्री आती है, है ना। रागेश्री बागेश्री जैसी राग है, कैसे है मैं सुनाता हूँ। सा ग म ध नि सा, एक दो तीन चार पाँच, है ना। ऋषभ पंचम नहीं लग रहा है। सा ग म ध नि सा नि द म ग म रे सा, अवरोहात्मक ऋषभ हमने लगा दिया। ये हो गई एक, तो है ना। फिर हमारी तिलक कामोद है, है ना, केदार है, ये कई रागे हैं ऐसी है। जिसमें शंकरा एक ऐसी राग है जिसमें विवाद है कि कई लोग मानते हैं कि इसमें जो ऋषभ है वो अवरोह में लगता है और कई लोग नहीं मानते हैं कि नहीं लगता है। तो कैसे जा रही है? सा ग प नी द सा, जैसा मैंने आपको बताया था कि धैवत जी की एक ऐसा वक्र स्वरूप में लग रहा है लेकिन काउंट तब भी आरोह में ही होता है, अवरोहात्मक लग रहा है। निधा सा नी ब ग प ग रे सा ग प ग रे सा, एक दो तीन चार पाँच ग प ग रे सा, है ना। तो ये काफी मतभेद आते हैं। फिर आते हैं हम औड़व संपूर्ण पर, जाएंगे पांच लेकिन आएंगे सात। तो हमारी आसावरी इसमें आती है। सा रे म प द सा सा नि द प म प द म प ग रे ग सा रे म प द सा, है ना। पांच गए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। फिर हमारी बिहाग इसमें ही आती है। नि सा ग म प नि सा, एक दो तीन चार पाँच सा सा नि द प म प ग म ग रे सा, ऐसे जाती है, है ना, संपूर्ण जाती है। देश है, बागेश्वरी इसमें आती है, औड़व संपूर्ण में आती है हमारी। सा म ग म द नि सा नि द म प द ग रे सा। अब इसमें आप देख रहे हैं जो पंचम का लगाव है वो आरोहात्मक है लेकिन काउंट किस में हो रहा है? अवरोह में। म ब द ग म ब द, ये आरोह जा रहा है लेकिन काउंट तभी होता है क्योंकि जब ये अवरोह आती है म ब द की संगति तभी लगती है, इसीलिए औड़व संपूर्ण है, है ना। बसंत है, भीम है, आशा, सिंदूरा, मुल्तानी, पटदीप, भीमपलासी, है ना, पीलू, ये कुछ ऐसी रागे हैं।
फिर आते हैं शाड़व शाड़व, हमने देखी शाड़व औड़व की मुझे कोई राग किताबों में वर्णन नहीं मिला। आप चाहें तो ढूंढें और गुरुओं से पूछें, अगर कहीं मिलता है, कहीं मतभेद आता है तो ज़रूर मुझे बताएं, और अगर मुझे मिलेगा कभी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उसको दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तब फिर हम देखते हैं शाड़व संपूर्ण की, यानी छह जाना और सात आना, ये कैसे पॉसिबल है, खमाज है। सा ग म प द नी स नि द प म ग रे सा, ऋषभ वर्जित है आरोह में, तो शाड़व हो गई यानी छह हो गए। सा ग म प ग म ग रे सा ग म प द नी सा ग म प ग म ग रे सा ग म प ध नी सा नि द प म ग म रे सा, ये आ जाता है। अलैया बिलावल है, जौनपुरी है। सा रे म प द नि सा, जहाँ आसावरी में निषाद वर्जित था इसमें लगा दिया तो वो शाड़व संपूर्ण हो गई। रामकली है, मालगुंजी है, परज है, ये शाड़व संपूर्ण की रागे हैं। फिर आते हैं हम कुछ रेयर कैटेगरीज हैं जो संपूर्ण संपूर्ण हमने देखा। संपूर्ण औड़व, इसमें मुझे एक ही राग का वर्णन मिला है और वो है नट, जो कि बिलावल थाट की राग है। कैसे इसका जो चलन है वो मैं आपको बताता हूँ, और कैसे ये संपूर्ण औड़व बनती है इसके बारे में जो किताबों में वर्णन वो कुछ इस प्रकार है कि इसके अवरोह में धैवत और गंधार वक्र हो जाते हैं, है ना। इसीलिए दो स्वर जो वक्र लग रहे हैं, इसी प्रकार से ये संपूर्ण तो जा रही है लेकिन आते समय औड़व काउंट हो रही है, पांच काउंट हो रहे हैं क्योंकि दो स्वर वक्र लग रहे हैं। आरोह संपूर्ण है, अवरोह में कहीं कहीं कोमल निषाद का भी प्रयोग है, और वादी मध्यम है, संवादी सा है, गायन वादन ये तो रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसका चलन मैं एक बार आपको गा के अगर सुनाऊं तो सा ग म प ग म रे ग म प म ग म रे सा, बिलावल का अंग आप देख पा रहे होंगे इसमें। सा ग ग म म प ग म ग म प सा द नि प म ग रे ग म प सा रे सा, है ना। ये कुछ इसका चलन है। और आखिरी कैटेगरी हमारी आती है संपूर्ण शाड़व, यानी सात जाना है लेकिन आते समय एक छोड़ देना है, जिसमें कि बहुत ही फेमस राग मीहा मलार है, जो कि जाती तो संपूर्ण है लेकिन आते समय जो है वो शाड़व हो जाती है। क्यों? क्योंकि आते समय इसमें धैवत जो है वो वर्जित हो जाता है। अब दिखती बिल्कुल ये अपनी बाहर जैसी ही है ना, बाहर का और इसके चलन में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, लेकिन आंदोलन का फ़र्क है कि क्योंकि इसमें दरबारी जो कान्हड़ा अंग है वो ज़रूर इसमें आता है। सा रे म रे प नि द नि सा नि प म प म रे सा म प ग म रे सा प ग म नि द नि सा नि प म प ग म रे सा। अब देख रहे हैं अवरोह में आते समय हमारा जो है धैवत नहीं लग रहा है। फिर एक और राग इसी कैटेगरी में है, वो वक्र संपूर्ण शाड़व में आती है, जो कि है खंबावती। ये बड़ी ही रेयर राग है, इसका उतना प्रचलन नहीं है, उतना गाया बजाया नहीं जाता है। इसके बारे में फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो किताबों में मिलता है वर्णन इसका। वो कुछ यूँ है कि वक्र संपूर्ण बताया गया, वक्र संपूर्ण शाड़व जाती है इसकी। आरोह में गंधार प्रयोग नहीं होता है, पर इसके कई मतभेद भी हैं, फिर भी मैं आपको एक बार गा के सुना देता हूँ। सा रे म प ध नि ध सा रे सा नि द प ध म प ग म सा रे म प ध नि द प ध म प ग म सा, है ना। इसके कई स्वरूप मिलते हैं कि कब कौन सा स्वर कैसे लगता है। तो ये तो कुछ हो गई हमारी शास्त्रों की बातें, कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब आखिरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रागों के निर्माण जो हैं कैलकुलेशन हिसाब से हो जाते हैं, है ना। फिर हम इस वीडियो का एंड करेंगे। बड़ी ही छोटी सी चीज़ें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ इसमें। को आरोह में जितने स्वर लगते हैं और अवरोह में जितने लगते हैं, अब अगर औड़व लगते हैं तो औड़व में कौन सा स्वर एक छूट रहा है,
अगली बार किसी दूसरे को छोड़ दो, अगली बार किसी और को छोड़ दो, तो कितने प्रकार के राग बन सकते हैं। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि एक थाट से 484 यानी 484 रागों का निर्माण होता है। तो सोचिए कि 10 रागों से कितना होता होगा, 4480 रागों का निर्माण हो जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन इतना नहीं रखता है क्योंकि इस बंधन के कारण क्या होता है, राग की संख्या जो है कम कर दी। क्यों? क्योंकि रंजकता नहीं बनती है, फिर मेलेडी नहीं बनती है, वरना कैलकुलेशन के हिसाब से तो आप कितनी भी रागें बना लोगे, है ना। तो संपूर्ण संपूर्ण में सिर्फ एक ही राग बना सकते हो क्योंकि जाना भी साथ है और आना भी साथ है। लेकिन संपूर्ण शाड़व से 6 राग बन सकते हैं क्योंकि आरोह तो संपूर्ण हो जाएगा और अवरोह में हर बार एक स्वर छोड़ दो, कि पहले नी छोड़ा है, अगली बार ध छोड़ दो, फिर प छोड़ दो, फिर म छोड़ दो, ऐसे करके। संपूर्ण औड़व से 15 राग बन जाएंगे, शाड़व संपूर्ण से 6 राग बन जाएंगे, शाड़व शाड़व से 36 बन जाएंगे, शाड़व औड़व से 90 रागे बन सकती हैं कैलकुलेशन हिसाब से। लेकिन विडंबना यह है, मुझे एक भी नहीं मिली है किताबों में, कहीं भी वर्णन नहीं मिला इसका, वरना बनने को 90 राग बन सकते हैं इस जाति से। औड़व संपूर्ण से 15, औड़व शाड़व से हमारे 90, और औड़व औड़व से सबसे ज़्यादा 225 रागे बनती हैं। तो इस प्रकार से इन 9 जातियों से 484 रागे बन सकती हैं, है ना। सात जाना सात आना, फिर सात जाना 6 आने में, हर बार 6 आ रहे हैं तो एक 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 स्वर बदलते जाओ तो 6 से कितनी रागें बन सकती है। तो इस प्रकार से हमारे 484 राग बनते हैं और 10 थाटों से। और अगर साउथ के 72 थाट देखें तो वहाँ तो फिर 34,884 रागें बनती हैं क्योंकि वहाँ 72 थाट है। तो ऐसी अगर कैलकुलेशन से बनाओ, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि रंजकता नहीं बनती, फिर मेलोडी नहीं आती अगर सिर्फ कैलकुलेशन से ही बनाते जाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जातियाँ क्या होती हैं और जातियों के एग्जांपल्स और जातियों से रागें कैसे बन सकती हैं, ठीक है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही और भी टॉपिक्स हैं जिन पर मैं रिसर्च करता हूं और आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। कुछ नई बातें जो कि लोग नहीं सोचते हैं उन पर और नहीं सोची गई हैं, उन पर कुछ खोज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।